नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला, सांसद दुष्यंत चौटाला, अशोक अरोड़ा बैठक में रहे मौजूद। बसपा के वरिष्ठ नेता भी बैठक में पहुंचे। बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा व सांसद दुष्यंत चौटाला ने किया प्रेस वार्ता को संबोधित। प्रस्ताव पास कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। पार्टी गठबंधन को लेकर के बैठक में हुई चर्चा। मलोट में प्रधानमंत्री की रैली में रोडवेज बसों को भेजने पर भी हुई चर्चा और दी इस पर प्रतिक्रियाएं। प्रधानमंत्री की रैली के लिए सरकारी मशीनरी का किया जा रहा दुरुपयोग। बसें गईं लेकिन लोग नहीं। वहीं अशोक अरोड़ा ने कहा कि 17 जुलाई को इनेलो बसपा की संयुक्त बैठक होगी। बैठक में आगामी आंदोलनों व कार्यक्रमों पर लिया जाएगा निर्णय। इसी क्रम में दुष्यंत चौटाला ने भी बयान दिया, भिवानी जेल भरो आंदोलन होगा ऐतिहासिक। कनेक्ट टू पीपल कर रहे हैं तो कनेक्ट टू रिप्रेजेंटेटिव से क्या घबराते हैं सीएम। मुख्यमंत्री ने दवा घोटाले में मिलने का समय नहीं दिया, अनिल विज स्वयं कंफ्यूज्ड। दवा घोटाले के पूरे मामले की सीबीआई व केक से हो जांच। हरियाणा में बिजली की किल्लत पर बोले दुष्यंत चौटाला, अडानी अंबानी को रखी हरियाणा की बिजली गिरवी। आप देख रहे हैं पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि इनेलो के प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक आज सिरसा के निजी मैरिज पैलेस में आयोजित हुई। बैठक में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला, इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा, सांसद दुष्यंत चौटाला के साथ साथ सभी विधायक और राज्य कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में बसपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विशेष रूप से भिवानी में आयोजित होने वाले जेल भरो आंदोलन को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक के मुख्य रूप से हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अतिरिक्त एमएसपी को लेकर सरकार द्वारा किए गए निर्णय को भी धोखा बताया गया। निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और सरकार से मांग की गई है कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। हालांकि इस बैठक में इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी गठन को लेकर के औपचारिक ऐलान होने की चर्चा थी। इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। अगली बैठक में 17 जुलाई को होगी और इसे प्रदेश के अन्य मुद्दों को लेकर के आंदोलन चलाए जाने को लेकर फैसले लिए जाएंगे। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री की रैली में रोडवेज बसें भेजे जाने को लेकर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की रैलियों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा जो खरीफ की फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किए गए हैं और जिसकी आज बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है, हमने उसकी निंदा करी है कि किसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। और हरियाणा प्रदेश की सरकार के कृषि मंत्री ढोल बजा रहे हैं, मंत्री नाच रहे हैं, जबकि जो धान का रेट दिया गया है वो 200 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है। इन्होंने जो रेट किसान की कोस्ट आती है उसे और बढ़ी है और ये 1750 रुपए भी नाच देकर नाचने का काम कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल किसान के साथ धोखा है। इस चीज का प्रस्ताव पास किया गया कि सरकार सही मायनों में जो लागत मूल्य केंद्र की सरकार को प्रस्ताव भेजा है उसके ऊपर 50% प्रॉफिट दे ताकि किसान को कर्जे से बचाया जा सके। दूसरा, प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पे भारत देश में होते हैं और भारत देश में सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में है। इसकी चिंता जाहिर की गई और साथ में एक प्रस्ताव ये भी पास किया गया कि हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाए और जो लोग ये आज किसान के साथ धोखा कर रहे हैं उस पर विधानसभा में चर्चा, और विधानसभा में चर्चा करके एक सर्वसम्मत रिकमेंडेशन केंद्र की सरकार पे पुनर्विचार करने के लिए भेजी जाए। कल मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में थे और मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दस्तावेज मुख्यमंत्री के समक्ष रखे, मैंने समय मांगा मगर उस समय मुख्यमंत्री व्यस्त थे। अगर मुख्यमंत्री कनेक्ट टू पीपल कर रहे हैं तो मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि कनेक्ट टू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी करिए। जो आरोप हम लगाते हैं अगर हमारे पास तथ्य है तो उसकी जांच भी कराइए। क्यों आज तक
एनएचएम और मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना में इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है उसके ऊपर मुख्यमंत्री इंक्वायरी स्टार्ट नहीं करवा पाए। कैग की बात करी गई कि उसे ऑडिट कराया जाएगा, आज तक एक कदम कैग की ओर नहीं उठाया गया। बात करी गई कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज कराई जाएंगी, केवल मात्र फॉर फॉर्मेलिटी सेक दो लोगों का एक बोर्ड बनाकर 114 बिलों को चेक कर कर इनने क्लीन चिट दे दी कि हमने बिना ड्रग लाइसेंस की कंपनीज को ड्रग्स बेचने का काम किया। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो प्रदेश के अंदर इस तरह की लूट को रोकना चाहते हैं और अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं तो समय बताएं। मैं स्वयं जो हमने दस्तावेज आरटीआई के हवाले से इकट्ठे करे, एक एक बिल जिनके ऊपर जिन कंपनीज के पास ड्रग लाइसेंस नहीं था उनने ड्रग्स बेचे, वो रिकॉर्ड मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। मैं इसी आश्वासन पर रखेंगे कि मुख्यमंत्री उसी दिन इसके ऊपर एफआईआर कराकर इस केस को सीबीआई को रिकमेंड करने का काम करेंगे और कैग को लिखित तौर पर ये भेजेंगे कि इस पूरे मामले की ऑडिट कैग कर। सरकार से शुरुआत भिवानी की धरती से हुई थी और चौटाला साहब के आदेश अनुसार अंत भी भिवानी की धरती पर किया जाए, मैं तो ये मानता हूँ। जहाँ मैंने हिसार के अंदर प्रभारी के तौर पर भी और एक सांसद के तौर पर भी एक रिकॉर्ड हमने बनाया था और उसके बाद अलग अलग जिलों के अंदर बढ़ोतरी होती चली, हम तो उम्मीद करते हैं उन सब 22 के 22 जिलों को के आंदोलनों को देखते हुए सबसे बड़ा आंदोलन भिवानी की धरती पर होगा। और मैं तो उम्मीद रखता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर लाभ सतलुज यमुना लिंक का किसी क्षेत्र पर पड़ता है तो दक्षिणी हरियाणा पर पड़ता है, भिवानी महेंद्रगढ़ रिवाड़ी पर पड़ता है। तो उम्मीद है इन जिलों से भी लोग बहुत भारी संख्या में इस लड़ाई का साथ देने आए। अगर मैं कन्फ्यूज्ड हूँ और मैं दवाई तक जो ड्रग्स है आपके समक्ष ला कर रख देता हूँ, बिल्स ला कर रख देता हूँ, आरटीआई लगा कर सरकारी आंकड़े ला कर रख देता हूँ, तो फिर तो मेरे ख्याल से आरटीआई एक्ट बंद कर देना चाहिए। आज हमने दस्तावेज कोई प्रोड्यूस खुद नहीं करे, ये तो सरकारी महकमों ने हमें देने का काम किया, उसको पढ़ा, उसको समझा और सरकार के समक्ष रखा। मेरी तो यही मांग है कि मुख्यमंत्री अगर चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाए, इतना बड़ा स्कैम अगर उनकी नाक के नीचे हो रहा है तो खुद मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को शह देने का काम बताए। अनिल विज जी मेरे को बोले कि मुख्यमंत्री जी मेरे साथ हैं, आश्वासन दे कि पूरे मामले की सीबीआई जांच और कैग ऑडिट कराया जाएगा। एक एक कागज, एक एक जिले का, एक एक आरटीआई जो उनके डिपार्टमेंट ने दिए हैं, हमने जो फोरेंसिक एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग मैच करवाने का काम किया, तमाम दस्तावेज उनके पास ओरिजिनल ला के देंगे कि उसके ऊपर वो कदम उठाए।